रिलेशनशिप विद इंडिया। इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये खुद को पत्रकार बोलता है। इसने अमेरिकी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी सवाल पूछने में पाकिस्तानी पत्रकार को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले एक महीने से ये पत्रकार भारत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार अमेरिका ने ही इसको इसकी हैसियत दिखा दी है। मुशफिकुल फजल नाम का ये बांग्लादेशी पत्रकार अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल पूछता रहता है। पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताता है। पीएम मोदी को जमकर कोसता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बांग्लादेशी पत्रकार अपने देश से ही फरार चल रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने तो मुशफिकुल फजल नाम के इस तथाकथित पत्रकार को भगोड़ा घोषित कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस के काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर रखा है। अब एक बार फिर ये भगोड़ा पत्रकार अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। 40 सेकंड तक ये अमेरिकी प्रवक्ता से सवाल पूछता रहा और भारत को नीचा दिखाता रहा, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा कि अमेरिकी प्रवक्ता भी इसके सवाल से परेशान हो गए और 5 सेकंड के जवाब में भारत की तारीफ करते हुए इस पत्रकार के मुंह पर तमाचा मार के चले गए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस भगोड़े पत्रकार की कैसे फजीहत हुई है। Recent pieces on India. One is in foreign policy titled US-India ties remain fundamentally fragile, and the other is titled Undemocratic Rule of Modi's India is a Security Threat to South Asia, published in the South Asian Journal. With concern about democratic backsliding in India and recent concerns from the State Department regarding the crackdown on opposition, how will you navigate the relationship with India in coming days, including depending on India in the Pacific strategy? So India is the world's largest democracy. It is an important strategic partner of the United States, and I expect that to remain true. We'll wrap for today. Thanks, everyone.